ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक रीडिंग लेके आए हैं हम, जिसमें देखेंगे कि कैसे इस सिचुएशन में आपकी हालत इस टाइम चल रही है। आपकी सिचुएशन बेसिकली, आपको रिलेशनशिप में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। एक अजीब सी सिचुएशन में आप फंसे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अनक्लियर और क्लैरिटी नहीं मिल रही। सो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक रीडिंग आपके फ्यूचर की रीडिंग है कि क्या आपको फ्यूचर में इस पर्सन के लिए क्या दिख रहा है, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। गाइडेंस लेंगे आपके लिए कि क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, और आपके रिश्ते की करंट सच्चाई देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग, मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे बुरा ना माने, डायरेक्ट कॉल ना करा करें। प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप करा करें। बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं, आई डोंट नो, शायद उन्हें ये लगता है कि पता नहीं ये जेन्युइन नंबर है या नहीं। फ्रेंड्स, ये जेन्युइन नंबर है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखा करें, ठीक है? सो डाउट मत रखा करें, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। बाकी आप इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना, सन मून साइन नाम राशि जिससे मैच हो उससे लेना, फोर्स नहीं करना खुद पे, और आराम से हर चीज़ को बहुत खुले दिमाग से समझना, ठीक है? जल्दी से अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। ओके, ऑल राइट। सो माई डियर एरीज, सबसे पहले हम इस रिलेशनशिप में आपकी कंबाइन एनर्जी देखेंगे कि कंबाइन एनर्जी में आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कार्ड्स एकदम ऐसे हो गए, सॉरी। ओके, सो एरीज राशि, आप दोनों के रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जी देखते हैं क्या है। टेन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, मैजिशियन एंड पेज ऑफ कप्स। सो क्या है आपके रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जी? एरीज, आपका रिलेशनशिप एक ऐसे सिचुएशन से अभी बाहर निकला है जहां पर आपने ना काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ फेस किया है, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी। आप दोनों की मुझे यहाँ पर एक स्ट्रांग कमिटमेंट दिख रही है एक दूसरे के लिए। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अभी और आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी देखूँ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी और कहूँगी, अभी तो मैंने आपका मेन सवाल नहीं देखा, कि आप दोनों अभी जिस दौर से, जैसे कहते हैं ना, एकदम आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी बड़ा टावर मोमेंट आया और काफ़ी चीज़ें टूट गईं, काफ़ी बिखर गईं, काफ़ी आपने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर आए, अब आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। हो सकता है बहुत सारे लोग सेम पार्टनर के साथ कर रहे हों, हो सकता है कुछ लोग मूव ऑन करके आगे का सोच रहे हों, पर ये रीडिंग उनके लिए है जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और उसी के बारे में आगे का सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जहां पर फिलहाल आप भी एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हो, मतलब चीज़ों को आप संभालना चाहते हो, और सेम वेज, जैसे कहते हैं ना, एक नई नई कहानी लिखना, एक नए तरह से अपने फ्यूचर को पेंट करना, एक नए तरह से सामने वाले को ऐसे ट्रीट करना कि अब हम नई नई कहानी लिख रहे हैं। हम वो जो पुरानी हमने गलतियां की हैं या पुरानी हमने उन्होंने चीज़ें की थी, हमें वो रिपीट नहीं करना। बहुत अच्छी एनर्जी है आप दोनों की, और दोनों ने एक दूसरे से जैसे काफ़ी जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उससे एक सीख ली है, ऐसे दिख रहा है। सो आते हैं हम अपने मेन सवाल पे, क्या फिर अब आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए? क्या एरीज को इस रिश्ते में अपना एनर्जी टाइम देना चाहिए? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द शैडो साइड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, व्हील ऑफ द ईयर। मैं आपको अगर एक छोटी सी बात बोलूं तो आपसे बहुत क्लियर शब्दों में कहा गया है कि आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए,
और क्यों रुकना चाहिए वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी, बहुत ध्यान से आप इस बात को सुनना। सबसे पहले तो एरीज, आपको अपने पार्टनर के साथ पुराने कलेश, पुरानी बातों को डिस्कस नहीं करना है। पुरानी चीज़ें जो उन्होंने गलत की, पुरानी बातें जो आपने गलत की, प्लीज़ उनके बारे में बिल्कुल डिस्कशन मत करना। सेकंड जो मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ना ही ये सोचना है कि मेरा पार्टनर मुझे मैन्युपुलेट कर रहा है, और ना ही आपने बदले में उसके साथ वो मैन्युपुलेशन गेम खेलने की कोशिश करनी है। तीसरा, आपको हर एक चीज को ये देखना है कि मैंने और मेरे पार्टनर ने कैसे एक टफ टाइम देखा, हम दोनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा फेज आया, उससे हम लोग कैसे उभर कर अब यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमने अभी भी चीजें गड़बड़ की तो आगे हमें बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको अपने आप को भी चेक करते रहना है टाइम बाय टाइम, ताकि ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर पाए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है एरीज, और इस चीज़ को ना आपको बहुत सीरियसली लेना है। सो रिलेशनशिप में वेट करें, पार्टनर भी आपको सीरियसली ले रहा है, आप भी पार्टनर को समझने के लिए चांस ले रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। देखते हैं कंबाइन डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज है। डिवाइन आपको कहता है कि आपको जो ये सक्सेस मिलेगी लाइफ में, वो मिलेगी स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस से। तो जहां आपको लगने लगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, वहां आपको पेशेंस रखनी है। दूसरा, ऊपर वाले पे यकीन रखना है। तीसरा है, अपने आप को लॉर्ड शिवा को डेडिकेट कर दो, ठीक है। तीसरा, वो आपको कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है, चाहे वो प्रोफेशनल आए चाहे वो पर्सनल आए, आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ, सच्चे दिल के साथ आगे बढ़ना है, मेहनत करते जाना है। जैसे हनुमान जी बिल्कुल मेहनत के साथ और सच्चाई के साथ जुड़े रहे अपने पूरी जर्नी में ज़िंदगी की, तभी आज वो अमर कहलाते हैं या उनका नाम लिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। सो उतना महान तो हम नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। उनके जैसा अपने जीवन में कुछ सिद्धांत ऐसे बना सकते हैं कि ट्राई कर सके, ठीक है। सो ये है माय डियर आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।